हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेकंड ओडीआई मैच की। तो दोस्तों, इस मैच की पूरी जानकारी जाननी है तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आर्या भाई के साथ। तो दोस्तों, ये मैच 14 जुलाई शाम 5:30 में खेली जाएगी और ग्राउंड होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पिछले मैच के बारे में थोड़ा बहुत। तो मंगलवार भारत को दक्षिण लंदन ओवेलिया ग्राउंड में 26 ओवर्स में केवल 110 रन पर ऑल आउट कर गई थी। ऐसे मैं बता दूं कि पहले भारत ने 10 विकेटों से शेष रहते हुए रनों पर दर्शक दे दी थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के द्वारा की गई बॉलिंग की शुरुआत गेम में उन्हें बड़ी उड़ान देने के बाद इंग्लैंड के पास निपटने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बता दूं कि हालांकि इंग्लैंड इस बार पर्याप्त रूप से विश्व कप की धारक और हम अपनी इस मैच की जोरदार प्रतीक्षा की उम्मीद करते हैं। भारत ने किया हुआ ओवरेज एक बिल्कुल सही प्रदर्शन का नियम किया और इस मैच का जल्द ही जल्द मौका पर इंग्लैंड के बल्लेबाजी के शीर्ष पहुंचने पे कोशिश करेंगे। अगर अनुरुद्ध मंगलवार से अपने प्रदर्शन के अपने स्टार बॉलर को रेडी करेगी। ऐसे में बता दूं कि टॉस की जानकारी दे दूं तो टॉस दोनों पक्षों अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। अब बात कर लेते पिच रिपोर्ट कैसी होगी। तो ओवरऑल हमेशा कठिन और उछलाव बल्ले पे कम देखी जाती है, इसलिए T20 में बल्लेबाजी पे कई तरह के स्कोरिंग मैच देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होंगे जॉन ब्रेस्टो, जेनसन रॉय, जोई रूट, लिनियम लिविंगस्टोन, जॉन्स बटलर, वेन स्टॉक्स, मोइन अली जैसे प्लेयर होंगे। अब बात कर लेते हैं भारत में प्लेइंग 11 कौन होंगे। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सुरेश कुमार यादव जैसे प्लेयर होंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मैच के, मतलब टोटल कितने मैच खेले जा चुके हैं। तो टोटल 104 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंडिया ने 56 मैच को अपने नाम किया और इंग्लैंड ने 43 मैच को, और दो मैच टाई रह चुकी है और 3 मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। पिछले लास्ट 5 मैच की बात करें तो जिसमें से इंडिया ने 4 मैच को अपने नाम किया और इंग्लैंड ने एक ही मैच को अपने नाम कर पाई है। अब बात कर लेते हैं कौन मैच को जीतेगा ये पूरे एनालिसिस। तो इंग्लैंड के बल्ले से आक्रम तरीके के सफ़ेद गेंदबाजों के क्रिकेट खेलने के मंगलवार के 10 विकेटों से मजबूती के साथ भारत ने हराया था। उम्मीद करते हैं कि इस खेल में आज इंग्लैंड अच्छी वापसी कर पाएगी, पर हम जाते हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और हमारा समर्थन इंडिया को रहेगा और मैच भी इंडिया बॉन करेगी। आपको क्या लगता है, अपने फेवरेट टीम को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।